सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्रेवन द हंटर के ट्रेलर के बारे में। सो आज बेसिकली सिनेमाकॉन के अंदर सोनी ने अपना पैनल प्रेजेंट किया, जो पैनल काइंड ऑफ अंडरवेलमिंग था, क्योंकि इस पैनल के थ्रू हमें वेनम 3 के बारे में, स्पाइडरमैन 4 के बारे में, मैडम वेब के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, और अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के बारे में भी कोई भी अनाउंसमेंट इस पैनल के अंदर नहीं हुई। इस पैनल के अंदर सोनी ने अपने स्पाइडरवर्स रिलेटेड सिर्फ क्रेवन द हंटर का ट्रेलर दिखाया। इसके अलावा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के पहले 15 मिनट्स को भी सिनेमाकॉन के अंदर रिलीज किया गया। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली क्रेवन द हंटर की मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ। क्रेवन द हंटर की मूवी इस साल अक्टूबर के महीने में रिलीज होने वाली है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये मूवी सोनी की तरफ से पहली आर रेटेड मूवी होने वाली है। जब सोनी ने वेनम के ऊपर मूवीज बनाने चालू की थी, तब सारे फैंस ये सोच रहे थे कि वेनम की मूवीज आर रेटेड ही होनी चाहिए, पर सोनी ने वेनम की मूवीज को PG-13 रखा था। मे बी इसीलिए क्योंकि PG-13 मूवीज ज्यादा बड़ा बिजनेस करती है और ज्यादा पैसे कमाती है, और मे बी सोनी ये सोच रही होगी कि क्योंकि उन्हें क्रॉसओवर करवाना है टॉम हॉलैंड के साथ वेनम का, इसलिए उन्हें अपनी मूवीज को PG-13 रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्वल के सारे मूवीज PG-13 ही होते हैं। पर क्रेवन द हंटर के साथ सोनी एक चांस लेने वाली है, और सोनी क्रेवन द हंटर को एक आर रेटेड मूवी बनाने वाली है। जो ट्रेलर सिनेमाकॉन के अंदर दिखाया गया है, उस ट्रेलर के अंदर एरन टेलर जॉनसन का क्रेवन द हंटर लोगों के चेहरे को टोर ऑफ कर रहा है विथ हिज माउथ। अब बहुत ही सारा ब्लड भी दिखाया गया है क्रेवन द हंटर के पहले ट्रेलर के अंदर। वैसे तो क्रेवन द हंटर स्पाइडरमैन का वन ऑफ द मोस्ट फेमस विलन है, पर इस मूवी के अंदर क्रेवन द हंटर को एज अ एंटी हीरो दिखाया जाएगा, जैसे कि वनम की मूवीज के अंदर वनम को दिखाया जाता है। क्रेवन द हंटर के ट्रेलर के अंदर राइनो को भी फीचर किया गया है। सो क्रेवन द हंटर मूवी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली राइनो मेन विलन होने वाला है। जो राइनो हमें क्रेवन द हंटर के अंदर दिखने वाला है, वो राइनो सेम नहीं है अमेजिंग स्पाइडरमैन के राइनो से, और इस मूवी के अंदर हमें एक डिफरेंट राइनो देखने को मिलने वाला है, जिसको उसके पावर्स एक सुपर ह्यूमन सीरम से मिलते हैं। मतलब इस मूवी में जो हमें राइनो दिखाया जाएगा वो काइंड ऑफ हल्क जैसा होगा, जो कि एक सीरम का यूज करके राइनो में कन्वर्ट होगा। क्रेवन द हंटर की मूवी के अंदर हमें रसल क्रो भी देखने को मिलने वाले हैं, और रसल क्रो बेसिकली क्रेवन द हंटर के फादर होने वाले हैं इस मूवी के अंदर। क्रेवन द हंटर की मूवी के अंदर हमें दिखाया जाएगा कि कैसे बेसिकली रसल क्रो करेक्टर क्रेवन द हंटर को ट्रेन करता है टू बी द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट हंटर फ्रॉम अ अर्ली एज, और इस मूवी के अंदर हमें क्रेवन द हंटर की ओरिजिन स्टोरी पता चलेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि क्रेवन द हंटर का पहला ट्रेलर आपको मई के महीने मिल सकता है, यानी कैसा हो सकता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की रिलीज के साथ क्रेवन द हंटर का ट्रेलर्स थिएटर्स में आपको देखने को मिल जाए। क्योंकि ये एक आर रेटेड मूवी है, तो आई एम एक्चुअली काफी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी, क्योंकि सोनी इस मूवी के साथ कुछ नया कर रही है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर क्रेवन द हंटर की मूवी हिट होती है तो क्या आगे सोनी वेनम की मूवीज को भी आर रेट करेगी या नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। पर आई थिंक क्योंकि सोनी इवेंचुअली टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ वेनम का क्रॉस ओवर करना चाहती है, इसलिए आई थिंक वेनम की मूवीज अभी भी PG-13 रहेगी और आर रेटेड नहीं होगी। बाकी आप मुझे कमेंट्स पर लिखकर ना भूले कि आप क्रेवन द हंटर की मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो। इस वीडियो से पहले मैंने स्पाइडरमैन 4, वेनम 3, मैडम वेब इन सारे मूवीज के प्लॉट के ऊपर वीडियोस बना के रखी है, तो उन सारे वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो अगर आपको सोनी के स्पाइडरवर्स के बारे में और जानना। तो बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।